नमस्कार पशुपालक भाइयों और किसान भाइयों, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सीताराम गाडरी और स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, लंपी वायरस का कहर भारत में तेज़ी से ही बढ़ता ही जा रहा है और दोस्तों अभी तक भी मतलब इसके केस अपने को देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों, राजस्थान और मतलब गुजरात के अंदर यह वायरस इतना तेज़ी से फैल रहा है कि कई सारी गौ माताओं की मृत्यु हो रही है। तो दोस्तों, लाखों की संख्या में गौ माता का निधन हो चुका है। और दोस्तों, बहुत से मतलब पशुपालक भाई नीम और मतलब फिटिकरी का उपयोग कर रहे हैं, जिससे मतलब कि गाय को पूरी तरीके से अच्छी तरीके से नहला रहे हैं। तो दोस्तों, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। नीम का पानी तो आपको जितना ज़्यादा हो सके उतना उपयोग करना है, लेकिन आपको मतलब उसका केवल फंवारा ही लगाना है, गाय के शरीर पर उसका फंवारा लगाना है और फिटिकरी को ज़्यादा मात्रा में नहीं डालना है। दोस्तों, फिटिकरी बहुत ही मतलब वो तेज़ होती हैं दोस्तों, वो और भी अपने पशु के घाव को नुकसान पहुंचाती हैं। तो आपको फिटिकरी केवल उसमें आपको एक छोटी सी मतलब टिके डालनी है। और दोस्तों, आपको इस वीडियो में मैं आज देसी उपचार बताने वाला हूँ, जिससे मतलब गौ माता की इम्यूनिटी बढ़ेगी और उसमें ताकत आएगी और जल्दी से जल्दी मतलब इस लंपी वायरस से उसको मतलब फ़ायदा मिलेगा और दोस्तों लंपी वायरस से उसको राहत मिलेगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देसी उपचार के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले आपको क्या लेना है। सबसे पहले आपको इसमें दोस्तों तुलसी के पत्ते लेने हैं। आपको कम से कम 20 पत्ते तुलसी के ले लेने हैं। और तुलसी के पत्ते लेने के बाद दोस्तों, आपको इसमें जो अपना वो गंवार पाटा होता है वो आपको ले लेना है। थोड़ा सा गंवार पाटा लेने के बाद दोस्तों, इसमें आपको एक पपीते का पत्ता लेना है। पपीते का पत्ता लेने के बाद दोस्तों, इसमें आपको चौथी चीज़ क्या लेनी है, इसमें आपको नीम की पत्तियाँ ले लेनी हैं। और दोस्तों, पाँचवा आइटम आपको छोटे छोटे मतलब अपने आंवले लेने हैं, जो कच्चे आंवले होते हैं उनको ले लेना है। और दोस्तों, इनको आपको पत्थर की या लकड़ी की, आपके पास किसी भी प्रकार की कुंडी हो उसके अंदर अच्छी तरीके से इनको पीस लेना है, पेस्ट कर देना है अच्छी तरीके से। मतलब आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके उसको अच्छी तरीके से उसका मतलब पेस्ट बना लें, जिससे कि मतलब वो काढ़ा तैयार हो जाए। तो दोस्तों, उसमें उतना सा ही आपको पानी डाल देना है, एक गिलास या दो गिलास। उससे अच्छी तरीके से जब वो कूटना आ जाए या सही तरीके से मतलब सही हो जाए, तब आपको उसको छान लेना है। गिलास में छान के उसको बोतल में लेके अपने पशु को पिला देना है। तो दोस्तों, जल्दी से जल्दी मतलब पशु को इन गांवों से आराम मिलेगा। और दोस्तों, एक बात और बता देना चाहता हूँ कि मतलब जिस पत्तों को हमने मतलब अच्छी तरीके से पेस्ट बनाया और उनका रस हमने छान लिया, और बाद में जो मतलब वो पत्ते हमारे पास जो छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में बचे हैं, उनको अपने को फेंकना नहीं है और गौ माता को खिला देना है। वो सारा पेस्ट आंवले के मतलब छिलके सभी उसको गौ माता को खिला देने हैं। तो दोस्तों, उससे भी गौ माता को ताकत मिलेगी। तो दोस्तों, उनको भी गौ माता को खिला देना है। तो दोस्तों, यह उपचार आपको तब तक करना है जब तक गौ माता में यह बीमारी रहे। दोस्तों, यह बीमारी 14 से 28 दिन के बीच में रहती है। इसके अंदर आप डॉक्टर की सलाह से भी आप इलाज करवाएं। और दोस्तों, इस जो मैंने देसी इलाज बताया इसको भी आप निरंतर चालू रखें, तो दोस्तों 10-5 दिन में ये जल्दी से जल्दी रिकवर होने में मतलब अपनी मदद करेगी। तो दोस्तों, इसी तरीके से आप मतलब गौ माता को ठीक कर पाएंगे। और दोस्तों, देसी उपचार अपने को चालू रखना है, क्योंकि दोस्तों अभी तक इस लंपी वायरस की कोई वैक्सीन अभी तक अच्छी तैयार नहीं हुई है। तो दोस्तों, मेरे को उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। और दोस्तों, ऐसी और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों अपने साथियों के साथ भी इसको शेयर करें, ताकि उनको भी अच्छी जानकारी प्राप्त हो सके। और दोस्तों, अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए ये भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।